सचिन पायलट को कुछ समय पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC का सदस्य बनाया गया था, जो इस बात का साफ और स्पष्ट संकेत था कि राजस्थान में पार्टी के हार जाने के बाद उन्हें दिल्ली भेजा जा सकता है। लेकिन हाल ही में कई वर्षों की अटकलों के बाद पायलट को छत्तीसगढ़ के AICC का प्रभारी महासचिव बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने पायलट को छत्तीसगढ़ का महासचिव बनाने का निर्णय विधानसभा चुनाव के वक्त ही ले लिया था, लेकिन तब इस निर्णय का खुलासा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे गुजरों में एक गलत मैसेज जाता और गहलोत पायलट की छवि खराब करने के लिए इस बात का फायदा उठा सकते थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस से छत्तीसगढ़ की सत्ता छीन ली है, तो वही दूसरी ओर रंधावा को राजस्थान के प्रभारी के रूप में बरकरार रखा गया है। बता दें, रंधावा ने जिस तरीके से राजस्थान में गहलोत के निर्देश अनुसार कामकाज किया, उसे देखते हुए उनकी यहाँ से विदाई तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में जितना बदलाव किया गया है उससे ज्यादा यथास्थिति कायम रखी गई है। तो वही दूसरी ओर एक जरूरी बात ये भी है कि प्रियंका गांधी को महासचिव तो बनाया गया है, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में ताजा फेरबदल के बाद अब राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी जल्द नियुक्ति होने के आसार लग रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए हरीश चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राजेंद्र पारेख का नाम लिस्ट में बताया जा रहा है। कहा जाता है कि हरीश चौधरी अब भी राहुल गांधी की गुड बुक्स में है क्योंकि उन्हें एक लंबे अरसे से राहुल गांधी का संरक्षण मिल रहा है। बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खियां देखने को मिली थी। कांग्रेस पार्टी के लिए इन दो दिग्गज नेताओं के बीच की खटास सरदर्द बन गई थी। हालांकि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस के हाथ निराशा लगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा है उसमें इन दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते की खटास ने भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई है। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर फिलहाल राजस्थान की राजनीति से दूर कर दिया गया है, लेकिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। ऐसे में देखने लायक होगा क्या पायलट को जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे निभा पाते हैं या नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।